आज की टॉपिक है द जेंडर। हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जेंडर, जेंडर है क्या। तो जेंडर की डिफिनेशन यहाँ पर है, द नाउन विच डिनोट्स मेल आर फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। ठीक है, मतलब नाउन जिससे मेल या फीमेल होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो नाउन जिससे मेल या फीमेल होने का बोध होता है उसे जेंडर कहते हैं। ठीक है, मेल मतलब पुरुष और फीमेल मींस स्त्री। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंसेस दिया हूँ, हॉर्स डॉग ऑक्स फादर डिनोट्स मेल सेक्स, मतलब ये हॉर्स डॉग ऑक्स और फादर से मेल सेक्स का बोध होता है, मतलब पुरुष वर्ग का बोध होता है। ठीक है, मेयर विच काउ मदर डिनोट्स फीमेल सेक्स, तो ये जो मेयर है विच है काउ है मदर है ये स्त्री वर्ग को डिनोट कर रहा है, तो ये एक अलग सेक्स हुआ फीमेल सेक्स हुआ। ठीक है, तो ये ग्रुप है मेल सेक्स का, ये नाउन है जो मेल सेक्स की तरफ डिनोट कर रहा है और ये जो नाउन्स का ग्रुप है ये फीमेल सेक्स की तरफ डिनोट्स कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसी को जो नाउन बतलाती है उसे बोलते हैं जेंडर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो जेंडर चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है, व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर The noun which denotes male sex is called masculine gender. ठीक है, noun जिससे male sex का बोध होता है मतलब पुरुष वर्ग का बोध होता है उसे हम लोग masculine gender कहते हैं। तो examples के लिए है boy, brother, father, ox, etc. मतलब इत्यादि। ठीक है, तो boy, brother, father इन सबसे पुरुष वर्ग का बोध होता है, तो ये सब मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। और नेक्स्ट देखिए फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर क्या है, तो द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ठीक है, तो ऐसी नाउन जिससे फीमेल सेक्स का बोध होता है मतलब स्त्री वर्ग का जो बोध कराता है उसी नाउन को बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। ठीक है, जैसे गर्ल है, ठीक है, गर्ल लड़की, सिस्टर बहन, मदर काउ इट्सेट्रा इत्यादि। ठीक है, देख रहे हैं बॉय से पुरुष वर्ग का बोध हो रहा था, गर्ल से स्त्री वर्ग का बोध हो रहा था। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन जेंडर हुआ, ये फेमिनिन जेंडर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब जिससे दोनों वर्ग का बोध हो रहा हो, स्त्री वर्ग के लिए भी प्रयोग किया जा सके और पुरुष वर्ग के लिए जो प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन है, द नाउन विच डिनोट्स ईदर मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, मतलब ईदर दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए जिस नाउन का प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे सर्वेंट, एनमी, स्टूडेंट, टीचर, सिंगर एट्सेट्रा। अब देखिए जो स्टूडेंट है वो मेल हो मतलब स्त्री वर्ग का हो चाहे पुरुष वर्ग का हो, उनको हम टीचर्स ही, उनको स्टूडेंट ही बोलेंगे। ठीक है, सेम वे टीचर्स चाहे मेल वर्ग का हो या फीमेल का हो उनको हम टीचर ही बोलेंगे। ठीक है, अब सर्वेंट सेम वे, एनमी वो स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग दोनों, दुश्मन है तो दुश्मन, एनमी को एनमी बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, तो द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और अ थिंग विथ लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का बोध होता है मतलब निर्जीव का बोध होता है, या अ थिंग विथ लाइफ या ऐसे वस्तु का जिसमें जीवन हो इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, उसी को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे हैं एग्जाम्पल पेन, टेबल, बुक, ट्री। ठीक है, अब ट्री देखिए ये अ थिंग विथ लाइफ ऐसी वस्तु है जिसमें जीवन है,
तो ये जो न्यूट्रल जेंडर के अंदर ऐसे ब्रिज वनस्पतियाँ या छोटे छोटे कीट पतंग भी आते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा जो एग्जांपल्स न्यूट्रल जेंडर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है और न्यूट्रल जेंडर क्या है। ठीक है, इनको कन्वर्ट करने से कुछ रूल है कि कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में बनाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है मैस्कुलिन और उसका फेमिनिन जेंडर दिया है, तो जो प्राय हमारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि क्या है वे। तो जैसे हस्बैंड ये मैस्कुलिन है, इसका जो है फेमिनिन वाइफ होगा। ठीक है, तो हस्बैंड का फेमिनिन वाइफ, अंकल का ऑन्ट, सर का मैडम। ठीक है, बैचलर का जो है फेमिनिन होगा मेड या स्पिनस्टर। ठीक है, बोर का सो हो जाएगा और मॉन्क का नन हो जाएगा, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, लैड का लैस, विजार्ड का विच। ठीक है, विजार्ड ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है और इसका जो फेमिनिन जेंडर विच होता है। स्टैक का हिंड होगा, गैंडर का कूच होगा, ड्रैग का टक होगा, कॉल्ड का फिली होगा, बक का टो, फॉक्स का विक्शन, रैम का ईयू, ड्यूक का डचेज, हीरो का हीरोइन। ठीक है, इसी तरह देखिए ये मिल्क मैन का फेमिनिन होगा मिल्क लेडी, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, ड्रोन का बी। ठीक है, ये ड्रोन जो है मैस्कुलिन के लिए प्रयोग होता है और बी मधुमक्खियां ये जो है फेमिनिन के लिए होता है। ठीक है, बुलक का हीफर, हॉट का रो, स्पोक्स पर्सन स्पोक्स मैन स्पोक्स पर्सन। ठीक है, ये स्पोक्स पर्सन जो है ये फेमिनिन है और स्पोक्स मैन ये मैस्कुलिन है। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिया जिसमें जो है मैस्कुलिन और उसका ये फेमिनिन है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक ब्रीफ में आपको एक कंसेप्ट आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश किया हूँ कि जेंडर है क्या। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स इसको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई